महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक 2 अप्रैल मंगलवार को 1 बजे दिन मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद में महानगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद तौसीफ कुरैशी उर्फ हाजी मन्नू कुरैशी के कैंप ऑफिस में आयोजित की गई, जिसमें मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के संगठन प्रभारी एवं पूर्व सूचना आयुक्त अलहाज हाफिज डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाई। इस बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी ने की तथा संचालन महासचिव धर्मेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने अपने अपने बूथ को मजबूत बनाकर और एक एक वोट डलवाकर सपा बसपा व रालोद गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की और संकल्प भी लिया। इस अवसर पर ये अपील भी की गई कि सभी कार्यकर्ता 3 अप्रैल बुध के दिन सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा तादाद में राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद पहुंचकर सपा प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन के नामांकन जुलूस में भाग लें। मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद अख्तर ने इस मौके पर कहा, मीटिंग रखी गई है हाजी मन्नू कुरैशी महानगर अध्यक्ष बहुत बेहतरीन मुरादाबाद टीम चला रहे हैं और जो हमारा चुनाव करीब आ गया है हमारे प्रभारी साहब हाजी उस्मान साहब आए हुए हैं। मैं अपनी 27 विधानसभा की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरी तरफ से मेरे जो प्रभारी आए हुए हैं विधानसभा के 27 के, मेरी उनसे मुलाकात हो गई है साहब और उन्होंने मैंने अपनी बूथ कमेटी दे दी है पूरी देहात की। जो हमारी विधानसभा देहात के जो गांव है 110 गांव है, 110 गांव की जो पूरी बूथ कमेटी है उन्हें एक एक गांव ले जाकर घुमा दूंगा और जो एसटीएसएन साहब के यहाँ से जिम्मेदारी मिलेगी उसकी वो भी मैं निभाऊंगा और अपना क्षेत्र भी देखूंगा। और अपना सपा नेता शाहिद हुसैन गामा ने इस अवसर पर कहा, जिम्मेदारी मिले न मिले फिर भी हम अपना काम बखूबी करेंगे। अपने बूथ पे जो भी हमारे 5 बूथ हैं हमारे क्षेत्र में जो हमारे उत्माते हैं हम पांचों बूथ पे मेहनत से काम करेंगे और अपने बूथ को जिताकर और कैंडिडेट को जिताकर भेजेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सपा नेता असलम खान ने इस मौके पर कहा, जिस दिशा निर्देश देंगे उसको बखूबी निभाया जाएगा और हमें जो जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष जी ने पहले से ही दे रखी है और बूथों के बारे में कमेटियों के बारे में और सेक्टर प्रभारियों के बारे में सारी जिम्मेदारी दे रखी है। जो भी हमारे अध्यक्ष जी जिम्मेदारी देंगे हम उसको बखूबी निभाए रहे हैं और जो प्रत्याशी महागठबंधन के हैं वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। लोकसभा क्षेत्र प्रभारी हाफिज मोहम्मद उस्मान ने इस अवसर पर सिटी चैनल 24 को बताया, देखिए जो इलेक्शन है वो हिंदुस्तान की तरतीब का इलेक्शन है और इसमें जो महागठबंधन हुआ है अगर उसके कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीतते हैं तो हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त ताकतें जो कब्ज़ा किए हुए हैं जिनके पास पहले डंडा था मगर उनके पास कानून नहीं था, अब उनके पास डंडा भी है, उन्होंने उसे कानूनी जामा भी पहना दिया है। अगर उस फिरका परस्त ताकतों को हटाना है तो गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जिताना होगा, तभी मुल्क का जो सेकुलरिज्म ढांचा है वो बरकरार रह सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपके ज़रिए से मुरादाबाद और आसपास के जो लोग हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, हिंदू और मुसलमान सभी से दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन के कैंडिडेट को जिताएं और साथ ही अपने लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस पूरे इलेक्शन में 3 बातों का ख्याल रखें। एक तो इलेक्शन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता की ज़बान से चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो स्पीच के जरिए से हो जब कभी वो भाषण दे हिंदू मुसलमान का नाम ना आए, क्योंकि फिरका परस्त चाहती है हिंदुओं को अलग कर दे और मुसलमानों को अलग कर दे, तो जो उनकी साजिश है उसे नाकाम बनाने के लिए पहली शर्त ये है कि पूरे इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं आना चाहिए, हिंदू भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लाना चाहिए, ये पहली दरख्वास्त है। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि चूँकि संगठन के बगैर कोई आदमी बहुत मजबूती के साथ कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, कामयाबी तो मिल सकती है मगर ज़्यादा भारी तादाद में कामयाबी के लिए संगठन का साथ होना ज़रूरी है। इसलिए एस टी हसन साहब के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अपने संगठन से चाहे वो महानगर का हो चाहे वो ज़िले का हो कि सब लोग इकट्ठे होकर हिम्मत के साथ और ताकत के साथ में मिशन समझकर एस टी हसन साहब को मुरादाबाद की सीट से भारी मतों से जिताए, ये मेरी दरख्वास्त है। प्रभारी जी जो ये चुनाव चल रहा है इसके दौरान किन किन स्टार प्रचारकों के मुरादाबाद आने की उम्मीद है? मैं खुद स्टार प्रचारक हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं प्रभारी भी हूँ लोकसभा का, कई लोकसभा का आपके सामने बैठा हुआ हूँ,
अभी जो है अखिलेश जी के भी आने का प्रोग्राम है, रामगोपाल जी के भी आने का प्रोग्राम है और पार्टी के जो दूसरे स्टार प्रचारक हैं उनके भी आने का प्रोग्राम है। तो पार्टी में लगातार पार्टी के नेता आते रहेंगे, मगर जिम्मेदारी अलग अलग जगह की दी गई है, यहाँ की जिम्मेदारी, निगरानी की जिम्मेदारी हमें दी गई है। इसलिए अगर किसी को कोई शिकायत हो तो मुस्तैद बात कह सकता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि उनकी बात का जो शिकायत है उसे हल हो, और अगर मुझसे ऊपर बात कहने की जरूरत होगी तो मैं उनसे ये बात, उनकी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस बैठक को महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी, महानगर उपाध्यक्ष हाजी सरताज आलम, जिला उपाध्यक्ष हफीजुर रहमान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद सलीम, सचिव अलहाज नेता सिद्दीक कुरैशी व अमीर हुसैन अंसारी, अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष शमीम अहमद खान, पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम ए खान, महिला सभा के महानगर अध्यक्ष यास्मीन सैफी, मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव वदूद खान, सपा व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष समीर शर्मा, शिक्षक सभा के महानगर अध्यक्ष नन्हे सिंह प्रजापति, सपा नेता मोहम्मद आसिफ अंसारी, सरताज सैफी, डॉक्टर मोहम्मद आसिम खान, यूसुफ खलीफा आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान लुकमान खान मुरसलीन वारसी, मोहम्मद नूह उर्फ शेरू, राहत अली, अरशद हुसैन, मोहम्मद नदीम सलमानी, साजिद नबी खान, जहूर मलिक, मोहम्मद इकबाल सैफी, शहजाद हुसैन, मोहम्मद अनस शमसी, नाग भारती, दीपा चौहान, राकेश राठी, ताहिर खान, रियासत हुसैन, मोहम्मद नवेद, महेंद्र पाल सिंह, मोहम्मद उस्मान आदि भी मौजूद रहे।